एक विशेष वर्ग के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग जब एक नहीं तीन तीन चार चार बीवियाँ रखेंगे, नौ नौ दस दस बच्चे पैदा कर देंगे, चार छः बच्चे पैदा करके छोड़ देंगे, न उनको रोजी रोटी मिलेगी, न शिक्षा मिलेगी, न और कुछ मिलेगा, तो अराजकता का माहौल पैदा ही होगा। जो जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है आज़ादी से लेकर और आज तक के इतिहास को अगर पलट के देख लिया जाए तो जनसंख्या एक गंभीर समस्या के रूप में आ रही है, जिसके कारण से कि पूरे देश में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं अराजकताएं फैल रही हैं। इसके नियंत्रण को लेकर कि इस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए और इस पर एक कानून बनाया जाए, इसके लिए मैंने चर्चा किया था और चाहता भी हूँ कि हमारे संविधान में और सांसद उसमें संसद में इसको कानून के रूप में पारित कराया जाए। तो इस क्योंकि यह एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे देश में उत्पन्न हो रही है, तमाम देशों के लोग पलायन करके हमारे देश में आ जाते हैं, जिसके कारण भी हमारे देश में एक समस्या बन रही है, न जमीन फैल रही है, न वातावरण वैसा हो रहा है, जिसके कारण तमाम आपदाएं आ रही हैं, तमाम अराजकता, व्यभिचार, अत्याचार और बलात्कार और इस तरीके से तमाम चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, जिसके पीछे अगर देखा जाए तो जनसंख्या ही एक बहुत बड़ा कारण है।